मीगा स्पोरोजेनेसिस। अब ये फ्लावर है हमारा, द सेपल्स पेटल्स एंड्रूशियम की स्टोरी हम लास्ट टाइम कर चुके हैं और आज हम कर रहे हैं गाइनेशियम की स्टोरी, राइट। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मीगा स्पोरो, मीगा स्पोरोफिल। तो ये जो हमारा कार्पल है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, मीगा स्पोरोफिल है। इसके तीन मेन पोर्शंस हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर जाके देखते हैं क्या दिखता है हमें। ओवरी के अंदर हमें एक टिश्यू दिखता है, प्लेसेंटा। तो अगर ये ओवरी है तो इसमें एक टिश्यू है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा पे डेवलप होते हैं मीगा स्पोरेंजियम, जिनको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स। तो जहां पर प्लेसेंटा होगा वहीं ओव्यूल्स होंगे, प्लेसेंटा से ही ओव्यूल्स ओरिजिनेट होते हैं। प्लेसेंटेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेंटा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओव्यूल्स एक ही बात हो गई, क्योंकि प्लेसेंटा ओनली गिव्स राइज टू द ओव्यूल्स। ठीक है, तो अब ये जो सिंगल अगर कार्पल हम लें पिस्टल, इसमें किस टाइप के हमें पिस्टल्स दिखते हैं। अब अगर हम एनसीईआरटी खोलेंगे अपना, तो हमें एनसीईआरटी में अपने एनसीईआरटी अपने साथ रखेंगे आप, एनसीईआरटी में हमें कुछ डायग्राम्स दिख रहे हैं। अपने एनसीईआरटी खोलेंगे आप, बिकॉज हमारे क्वेश्चंस नॉर्मली एनसीईआरटी से ही आने हैं। फिगर 2.7 देखोगे। अब कार्पल के बेसिस पर हमारे को मोनोकार्पलरी गाइनेशियम और पॉलीकार्पलरी गाइनेशियम दो तरह के हो सकते हैं। पॉलीकार्पलरी में इट कैन बी एपोकार्पस या फिर होगा सिंकार्पस। यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर हम गाइनेशियम के ऊपर क्वेश्चंस देखें, कार्पल के ऊपर। मोनोकार्पलरी गाइनेशियम या ओवरी कैसी होगी, अगर आपके फ्लावर के पास एक ही कार्पल है गाइनेशियम में, द फीमेल कॉम्पोनेंट या गाइनेशियम इज शोन बाय ओनली वन कार्पल। अगर एक ही कार्पल है तो मैं इसको मोनोकार्पलरी कहूंगी। अगर एक से ज्यादा कार्पल्स हैं एक फ्लावर के पास और वो सारे कार्पल्स फ्री हैं, आपस में फ्यूज नहीं है, तो मैं कहूंगी एक तो वो पॉलीकार्पलरी है, दूसरा वो क्या है, एपोकार्पस। अगर एक ही फ्लावर में मेरे पास एक से ज्यादा कार्पल्स हैं तो वो सारे कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, इस तरह से फ्यूज्ड हैं। अब हमें नीट में क्या क्वेश्चन आएगा, एक तो हमें एनसीईआरटी से उठ के आएगा, हाइबिस्कस के बारे में बताएंगे आपको और पेपरवर दिखाएंगे। फिगर 2.7 देखिए, पॉलीकार्पलरी सिंकार्पस पिस्टल ऑफ पेपरवर, इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में हमें पेपरवर दिया हुआ है। पेपरवर क्या है, पॉपी। पॉपी वो प्लांट है जिससे आपको ओपियम मिलता है, ओपियम से आप ड्रग्स बनाते हैं, मतलब ह्यूमंस। ठीक है, ये इस टाइप का अगर एक से ज्यादा कार्पल है और वो एक दूसरे से अलग है, फ्यूज नहीं है, तो उसको एपोकार्पस कहते हैं। एनसीईआरटी इसका क्या एग्जांपल देता है एपोकार्पस का, माइकेलिया। माइकेलिया साइंटिफिक नाम है चंपा का। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस का एनसीईआरटी क्या एग्जाम्पल देता है और पॉलीकार्पलरी सिंकार्पस का क्या एग्जाम्पल देता है, और इसके डायग्राम्स कौन से एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो भी आप ध्यान से देखेंगे। इसी तरह से आपको हाइबिस्कस दिया हुआ है, हाइबिस्कस भी जिसको आप चाइना रोज कहते हैं, वो भी पॉलीकार्पलरी सिंकार्पस का ही एग्जाम्पल है, राइट। मोनोकार्पलरी का एग्जाम्पल
अगर आप मॉर्फोलॉजी याद करें तो G1 किस में आपने पढ़ा हुआ है, ऐसे करके जो आप फ्लोरल फॉर्मूला करते थे, तो मोनोकापलरी का एग्जाम्पल लेग्यूम्स है आपके कोर्स में, फेबेसी फैमिली. गॉट इट? अंडरस्टूड? ऐसे वाले फ्लावर्स और ऐसे वाले फ्लावर्स, ये वाले और ये वाले फ्लावर्स जब फ्रूट बनाएंगे, मतलब पॉलीकापलरी, सिंकार्पस और मोनोकापलरी, तो उन फ्रूट्स को हम सिंपल फ्रूट्स कहते हैं. ऐसी वाली ओवरी से जो फ्रूट बनेगा या ऐसे वाली ओवरी से जो फ्रूट बनेगा, ओवरी से ही फ्रूट बनेगा ना, वो सिंपल फ्रूट बनता है. और ऐसी वाली ओवरी से आगे चल के जो फ्रूट बनेगा वो एग्रीगेट फ्रूट बनता है, क्योंकि ये सब अलग अलग फ्रूट्स बन के फिर इकट्ठे हो जाते हैं. हमें नीट में आएगा पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस ओवरी से हमें कैसा फ्रूट बनता है, तो आप एग्रीगेट पे टिक लगाएंगे. और अगर सिंपल फ्रूट किससे बनता आएगा, तो आप मोनोकार्पलरी या फिर बहुत सारे कार्पल्स हैं तो वो फ्यूज्ड हो, तो सिंपल फ्रूट बने. तो मैंने आपको दो क्वेश्चन यहाँ नीट के बताए हैं, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ये आना चाहिए. ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको आना. Done. Can we move ahead? आपने नीट के क्वेश्चंस नोट करे हैं. आगे चलें. स्टोरी सुनते हैं आप. ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल्स हो सकते हैं, एक ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल्स हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको नीट में आ सकता है. एक ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, it may be having single ovule or more than one. Single ovule ka example aap le sakte hain wheat, rice, mango. Aur bahut sare ovules, bahut sari seeds banengi fruit ke andar, papaya. Aap seeds ko count karke pata laga sakte hain kitne ovules hain. Watermelon, सिट्रस, नींबू, ऑरेंज, है ना, कितने सारे सीड्स होते हैं एक फ्रूट के अंदर. तो अगर एक फ्रूट के अंदर एक ही सीड मिल रही है आपको, तो मतलब एक ही ओव्यूल था. तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, स्टोरी सुनेंगे आप, मेगास्पोरेंजियम की स्टोरी सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से. मेगास्पोरोजेनेसिस, हमारी स्टोरी शुरू होती है ओवरी के अंदर. ओवरी के अंदर, ये ओवरी है, एक टिश्यू है प्लेसेंटा, कहीं पर भी हो सकता है, सेंटर में हो सकता है, वॉल्स पे हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द प्लेसेंटा टिश्यू. अब इस प्लेसेंटा पर ओव्यूल कैसे बनता है, सबसे पहले तो प्लेसेंटा 2n है, वो पूरा ये गाइनेशियम भी 2n है, डिप्लॉयड है, राइट. इस तरह से अगर इस ओव्यूल बनना है इसके ऊपर, तो ऐसे पहले एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है, जिसको हम पैपेला कहते हैं. धीरे धीरे वो डिवाइड होते होते इस तरह से इंटेग्यूमेंट बनाना शुरू कर देते, तो लेयर्स बननी शुरू हो जाती हैं ओव्यूल की.
हम देख रहे हैं इसके ऊपर उयुल कैसे बन रहा है, तो क्या डेवलप हो गया? इंटेग्यूमेंट। अभी तक हमने मियोसिस नहीं देखा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर जब ओव्यूल बन रहा है, पहले जो इंटेग्यूमेंट बना है वो भी क्या है? डिप्लॉइड है, राइट? एट द सेम टाइम अब ये जो इंटेग्यूमेंट है सिंगल भी हो सकता है या फिर बाइटेगमिक ओव्यूल भी हो सकता है, यूनिटेगमिक ओव्यूल भी हो सकता है। पहले इनर इंटेग्यूमेंट बनता है, उसके बाद आउटर इंटेग्यूमेंट। अंदर के सेल्स जो होते हैं, अंदर का जो टिश्यू होता है उसको हम न्यूसेलस कहते हैं। अभी तक मियोसिस तो हुआ नहीं, तो न्यूसेलस भी क्या है? न्यूसेलस भी क्या है? टू है, ओके। अब न्यूसेलस में माइक्रोपाइल एंड की तरफ, इस तरफ एक सेल डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे सेल्स हैं, उसमें से एक सेल डिफरेंशिएट होकर बन जाता है मीगास्पोर मदर सेल। तो मीगास्पोर मदर सेल भी 2n है, क्योंकि अभी तक तो मियोसिस हुआ नहीं। तो न्यूसेलस का एक सेल माइक्रोपाइल की तरफ, इसको हाइपोडर्मल सेल कहेंगे, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल दिस डेवलप इन टू, इनफैक्ट दिस डेवलप्स फर्स्ट इन टू आर्किस्पोरियल सेल। थोड़ा डिटेल कर लेते, दिस डेवलप्स इनटू द प्रिकर्सर, द मदर सेल ऑफ मेगास्पोर मदर सेल आर्किस्पोरियल। अब ये आर्किस्पोरियल सेल अपने साइज में, अब इसके साथ क्या होता है देखते हैं। आर्किस्पोरियल सेल अपने साइज में बड़ा होना शुरू हो जाता है, इसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाता है, मतलब ये रेडी हो रहा है डिवाइड करने के लिए, और ये दो सेल्स में डिवाइड करता है। डिवाइड करता है इनटू प्राइमरी पेराइटल सेल, जैसे कि हमारे पिछले वाले में हमने देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, और डिवाइड करता है इनटू प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल मोर ऑफ न्यूसेलस बनाएगा आगे चल के, या वॉल्स बनाएगा या न्यूसेलस बनाएगा, और ये बन जाता है मीगास्पोर मदर सेल। तो इस तरह से एक मीगास्पोर मदर सेल MMC यहां पर बन जाएगा फ्रॉम अ सेल कॉल्ड आर्किस्पोरियल सेल, ओके? Understood? अब ये मीगास्पोर मदर सेल के साथ क्या होगा हम ये देखेंगे। नोटेटिल है मीगास्पोर मदर सेल ओव्यूल के अंदर जो है उसमें मियोसिस होगी। अभी तक स्टोरी क्या थी? ये हमारी ओवरी है, ओवरी में एक टिश्यू है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा पर ओव्यूल बनना शुरू हुआ है। कैसे बनना शुरू हुआ है? पहले एक आउटग्रोथ दिखती है हमें, फिर आउटग्रोथ से इंटेग्यूमेंट्स डेवलप हो गए, और अंदर के टिश्यू न्यूसेलस डेवलप हुआ। न्यूसेलस में एक सेल आर्किस्पोरियल सेल हो गया डिफरेंशिएट, उसने डिवाइड करना है, डिवाइड करके वो पेराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल में डिवाइड करेगा, और स्पोरोजिनस सेल विल बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल। नोटेड? यस, ये नोट हुआ है। अब हमें एक क्वेश्चन क्या आएगा, इंटेग्यूमेंट डिप्लॉयड है, न्यूसेलस डिप्लॉयड है, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, इनमें से कोई भी मियोसिस के बाद नहीं बन रहा है, मियोसिस से पहले बन चुके हैं ये। लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू मेगास्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल बनता है, दिस अंडरगोज मियोसिस। मियोसिस से एक टेट्राड बनता है, चार मेगास्पोर्स बनते हैं। अब ये जो चार मेगास्पोर्स बनेंगे,
ये नॉर्मली एक लीनियर टेट्राड में अरेंज होंगे, डिफरेंटली भी अरेंज हो सकते हैं, पर ज्यादातर मोस्टली लीनियर टेट्राड बनेगा। हमारे कोर्स में पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है। तो हमारी स्टोरी यही वाली होगी जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में हम पढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब इस स्टोरी के मुताबिक ऐसे वाले पौधों में जो हमारे कोर्स में हैं, इन चार मेगास्पोर्स में से तीन डीजेनरेट हो जाएंगे और एक ही बचेगा। तीन डीजेनरेट हो जाते हैं। अब इस मेगास्पोर में अगर हम पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक पढ़ रहे हैं, तीन बार माइटोसिस होगी और तीन बार माइटोसिस कैसी होगी, न्यूक्लियर, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। पहली बार माइटोसिस होगी न्यूक्लियस की तो दो बनेंगे न्यूक्लियस, फिर ये करेगा और ये भी करेगा, तो इस तरह से तीन माइटोसिस के बाद चार चार न्यूक्लियस दोनों पोल्स पे आ जाएंगे। अब इन दोनों पोल्स के एक एक न्यूक्लियस पोल से अंदर की तरफ चल पड़ेंगे। अब वो पोल से आए हैं तो वो क्या कहलाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई, और बाकी तीनों न्यूक्लियाई के सेल वॉल फॉर्मेशंस हो जाएं। अब ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब एम्ब्रियो सैक के, ये सब ओव्यूल के अंदर हो रहा है, मतलब जो हमने ओव्यूल बनाया था जिसमें ये इंटेग्यूमेंट था आउटर और ये इनर इंटेग्यूमेंट था, और फिर एक मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन से चार सेल्स बने थे, तीन डीजेनरेट हो गए थे, जो एक बचा था उसने न्यूसेलस को कंज्यूम करते करते न्यूसेलस को खाएगा, वो न्यूसेलस उसका टिश्यू है, फूड है, उसने थोड़ा न्यूसेलस कंज्यूम कर लिया है तो काफी कम न्यूसेलस यहाँ बचा हुआ मिलेगा, और उसने, ये है आपके पोलर न्यूक्लियर, तो ये मेगास्पोर हैज डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो सैक। मेगास्पोर से क्या बन गया है अब, तो ये मेगास्पोर था, इसने जब इस स्टेज में आ जाएगा तो हम इसे एम्ब्रियो सैक कहेंगे। तो ये दो हैं पोलर न्यूक्लियाई क्योंकि पोल से आए हैं, ये ओपनिंग को हम माइक्रोपाइल एंड कहेंगे, इसके ऑपोजिट एंड को हम चलाजल एंड कहेंगे, ये तीन हमारे एंटीपोडल सेल्स हैं, ये हमारा सेंट्रल सेल है जो सबसे बड़ा सेल है, इसके पास दो न्यूक्लियाई हैं, ये हमारा एक प्रोमिनेंट सेल है माइक्रोपाइल में, सेंट्रल सेल, ये माइक्रोपाइल की तरफ जो सेंटर का सेल है वो एग सेल है, उसके दोनों तरफ जो सेल्स हैं वो सिनर्जिड्स हैं, सिनर्जिड्स के पास कुछ माइक्रोट्यूबुलर आउटग्रोथ्स होंगी जिनको फिलिफॉर्म अपैरेटस कहेंगे, इस तरह से ये दोनों मिलाकर एग अपैरेटस कहलाते हैं। तो हमारी स्टोरी क्या थी कि जो ओवरी के अंदर ओव्यूल पहले कैसे बना, इंटेग्यूमेंट्स बने, न्यूसेलस बना, सेल डेवलप हुआ, उसकी डिवीजन से मेगास्पोर मदर सेल बना, मेगास्पोर मदर सेल जो 2N है उसमें पहली बार मियोसिस हुई, मियोसिस के बाद चार मेगास्पोर्स बने तो ऑब्वियसली ये सारे हैप्लॉइड हैं, इन चारों में से एक सरवाइव करेगा और इस ओव्यूल के अंदर इस तरह से डेवलप करेगा और फाइनली एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाए। नीट के 10 क्वेश्चन इधर से देख लेते हैं। नीट के 10 क्वेश्चन आप नोट करेंगे। नंबर 1,
एम्ब्रियो सैक क्या है? अगर कार्पल मीगा स्पोरोफिल है और ओव्यूल मीगा स्पोरेंजियम है, तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वो फीमेल गेमिटोफाइट है। तो एंजियोस्पर्म्स का फीमेल गेमिटोफाइट सेवन सेल्ड और एट न्यूक्लिएटेड है। सेवन सेल्स हैं और एट न्यूक्लियाई। द फीमेल गेमिटोफाइट इज सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लियाई। सेवन सेल्स कौन कौन से? सेंट्रल सेल, बीच का, ये तीन एंटीपोडल्स, चार हो गए, और ये दो सिनर्जिड्स, पांच छह, और ये सात। तो सात सेल्स हैं और आठ न्यूक्लियाई हैं, क्योंकि सेंट्रल सेल के पास दो न्यूक्लियाई। तो आपने ये बहुत अच्छे से याद रखना है कौन सी चीज को हम क्या कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ नीट, एम्ब्रियो सैक का सबसे बड़ा सेल कौन सा है? तो एम्ब्रियो सेल का सबसे बड़ा सेल सेंट्रल सेल। और अगर हमें पूछे एग अपैरेटस का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो एग सेल एग अपैरेटस का सबसे बड़ा सेल। क्योंकि एग अपैरेटस में तीन ही सेल्स आते हैं। के बाद हमसे पूछे प्लॉइडी बताइए, एंटीपोडल्स हो गए, पोलर न्यूक्लियाई हो गया, सिनर्जिड्स हो गए, सब एन है, बट न्यूसेलस इंटेग्यूमेंट्स ये सब टू एन। Is it understood? हाँ जी, ये चीजें समझ आ गई है। तो फिर हम आगे चलते हैं नीट के क्वेश्चंस पे। मार्क लगा लीजिए, मैंने आपको पहले भी नीट के क्वेश्चंस दिए हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं नीट के क्वेश्चंस, ये है नीट के क्वेश्चन, ये है, यहाँ पर और चीजें देखेंगे हम। एम्ब्रियो सैक के ऊपर मैंने आपको कुछ नीट के क्वेश्चंस दिए हैं, उसको नोट कर लीजिए। नीट के और क्वेश्चंस देखते हैं हमें क्या आने चाहिए नीट के क्वेश्चंस में। बेटा मैं आपको आज दूसरे अपने लैपटॉप पर शायद वो नहीं दिखा पाऊंगी बिकॉज देयर सम नेट प्रॉब्लम हियर एनसीईआरटी। तो अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए आप। एनसीईआरटी खोली हुई है तो पेज नंबर 26 पे जाइए। पेज नंबर 26 पे जाके आपको डायग्राम देखना है। पेज नंबर 26 पर जाकर आपने फिगर 2.8 देखना है। आपने खोल लिया है फिगर 2.8? फिगर 2.8 एनसीईआरटी में आप खोलेंगे जो पेज नंबर 26 पर है। उसमें देखिए आपको माइक्रोपाइलर एंड पर एक मेगास्पोर मदर सेल डेवलप होता नजर आ रहा है, डिवाइड कर रहा है पहले दो सेल में फिर चार सेल में, मतलब एक डायड बनता है फिर एक टेट्राड बन जाता है। उन चार में से तीन सेल्स डिजेनरेट हो जाते हैं और एक सेल सरवाइव करता है। जो सेल सरवाइव करता है उसको नीचे अलग से लिखा दिया गया, उस सेल को निकाल के बाहर दिखाया गया है कि उस सेल के न्यूक्लियस में तीन बार माइटोसिस होने से सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर या एम्ब्रियो सैक बनता है। कैन यू सी इट? Yes. तो हमें एनसीईआरटी के ध्यान से डायग्राम्स पर नजर रखनी होती है ताकि हम इसको इसमें कंफ्यूजन नहीं करें। अब आपको याद रखना है कि ये जो एम्ब्रियो सैक हमने बनाई है, ये जरूरी नहीं सभी पौधों में ऐसी होगी, पर हमारे कोर्स में पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है तो वो इसी प्रकार की होती है। इसमें हमने क्या देखा है? इसमें हमने देखा है कि चार मेगास्पोर बने थे
पर उसमें से एक ने ही पार्ट लिया एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए, तीन खत्म हो गए एंड वन सर्वाइव्स। तो ऐसी एम्ब्रियो सैक को मैं मोनोस्पोरिक कहूंगी क्योंकि ये एक ही मेगास्पोर से बन रही है। उसके बाद उसमें तीन माइटोसिस होते हैं तब जाके वो कंप्लीट होती है, तीन माइटोसिस, तो मैं उसे ट्राइफेजिक कहूंगी। जो पॉलीगोनम टाइप की एम्ब्रियो सैक है उसमें आप नीट में किस पे टिक लगाएंगे, मोनोस्पोरिक एंड ट्राइफेजिक। एक स्पोर ने पार्टिसिपेट करा और उसमें तीन माइटोसिस दिखी हम। अंडरस्टूड, क्लियर? ऑप्शंस बहुत तीन और होंगे, इस ऑप्शन को चूज करेंगे आप। तो नीट के कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितनी बार माइटोसिस हुई, किस प्रकार की माइटोसिस हुई, न्यूक्लियर, मोनोस्पोरिक एंड ट्राइफेजिक इज द डेवलपमेंट। कार्पल को मैं क्या कह सकती हूँ, मेगास्पोरोफिल, ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजियम, एम्ब्रियो सैक क्या डिनोट करता है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ द पॉलीगोनम इज 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस। ओके डन। और एग क्या है इसमें, वो फीमेल गैमीट है। एग इज द फीमेल गैमीट। अगर किसी प्लांट में, जैसे और भी टाइप की एम्ब्रियो सैक होती हैं जो हमारे कोर्स में नहीं है, दो स्पोर्स पार्टिसिपेट करेंगे गेमिटोफाइट बनाने के लिए, दो मेगा स्पोर्स करेंगे तो हम बाइस्पोरिक करेंगे, चारों करेंगे तो टेट्रास्पोरिक टाइप की एम्ब्रियो सैक बने। तो फीमेल गेमिटोफाइट बनाने के लिए कितने स्पोर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेगा स्पोर्स, उस पर डिपेंड करता है। हमारे कोर्स में जो है वो मोनोस्पोरिक एंड ट्राइफेजिक है। हैव यू अंडरस्टूड? यस क्लास, great, I like this thumbs up, that means you're understanding well. चलिए आगे चलते हैं। आपको जहां नहीं समझ आता है अपने टीचर से आप पूछिए, कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो बताइए, वो किसी भी लैंग्वेज में आपको हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने अपने ऊपर फोकस रखना है, आपको समझ आनी चाहिए। अब अगर मैं एग अपैरेटस देख रही हूं, एग अपैरेटस में जो माइक्रोपाइल साइड पर है, मुझे तीन सेल्स दिख रहे हैं, एक दिख रहा है एग और दो दिख रहे हैं सिनर्जिस्ट। तो मैंने इसको बाहर निकाल के थोड़ा मैग्निफाई कर दिया। ये माइक्रोपाइल, यहां से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर ध्यान दे दीजिए। उसी एक अपैरेटस को हम यहां देख रहे हैं। अब अगर मैं हम एग को देखते हैं तो एग में न्यूक्लियस नीचे की तरफ दिखेगा, यहां वैक्यूल दिखेगा। अगर सिनर्जिक्स देखते हैं तो यहां वैक्यूल दिखेगा और यहां न्यूक्लियस दिखे। ओके, तो मैं कहूंगी कि एग में माइक्रोपाइलर वैक्यूल है और चलाजल की साइड न्यूक्लियस है, चलाजल न्यूक्लियस, जबकि सिनर्जिज में माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस है, मतलब माइक्रोपाइल की साइड न्यूक्लियस है और वैक्यूल किस साइड है, चलाजा की साइड, क्योंकि माइक्रोपाइल साइड है तो अपोजिट चलाजा की साइड है। एट द सेम टाइम मुझे यहां पर फिलीफॉर्म अपैरेटस भी दिख रहा है। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं। सबसे पहले तो सिनर्जिज का क्या रोल आ सकता है हमें? सिनर्जिज एक तो एग को संभाल के रखते हैं, सिनर्जिज हेल्प टू एब्जॉर्ब The shock of pollen tube entry. जब pollen tube enter करेगी तो egg displace हो सकता है, तो ये egg को पकड़ के रख रहे। दूसरी चीज,
जब पॉलन ट्यूब गैमेट्स लेके एंटर करेगी तो उसमें अपना सामान कहीं से छोड़ना होगा। साइंटिस्ट को लगता है कि सामान जब इसमें मेल गैमेट्स वगैरह आ रहे हैं, जब वो अपना कंटेंट छोड़ेगी, उससे पहले एक सिनर्जिट खत्म हो जाता है स्पेस बनाने के लिए, ताकि ये सारे सामान की जगह बन सके। वन ऑफ द सिनर्जिट्स डीजेनरेट्स जस्ट बिफोर पॉलन ट्यूब एंट्री। एक सिनर्जिट डीजेनरेट हो जाता है ताकि सारा कंटेंट यहाँ आ सके। तीसरा, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पॉलन ट्यूब को बताने के लिए कि भाई कहाँ आना है आपने, उसके लिए सिनर्जिट कुछ केमिकल सिक्रीट करता है। सिनर्जिट सिक्रीट केमिकल कीमोट्रोपिज्म ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब किस तरह की मूवमेंट दिखाती है? कीमोट्रोपिज्म दिखाती है, ताकि पॉलन ट्यूब को पता रहे कि मैंने किस साइड आना है। कीमोट्रोपिज्म पे आप स्टार लगाएंगे, ये तीनों सिनर्जिट्स के यूज हैं। इसके अलावा सिनर्जिट्स के ऊपर हमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखते हैं कुछ। तो सिनर्जिट्स हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ वॉल इनटू साइटोप्लाज्म। एनसीआरटी इसको सेल्यूलर थिकनिंग कहते हैं, बात वही है। एट माइक्रो पाइलर टिप दीज गाइड पॉलन ट्यूब इन टू सिनर्जी। पॉलन ट्यूब ने सिनर्जिट की तरफ आना है तो ये गाइड करते हैं, और फिर ये डीजेनरेट हो जाता है सेल और सारा कंटेंट इधर आ जाता है। तो ये चार पॉइंट्स आपको याद रखना है। कीमोट्रोपिज्म होता है, आपको पता होना चाहिए। एनसीआरटी है, आपको पता होना चाहिए। सिनर्जिट्स के रोल क्या है एग के लिए, आपको पता होना। आपको याद रखना है ये सारे सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। सेंट्रल सेल में खूब सारा खाना होता है, लॉट ऑफ फूड रिजर्व, और ये सारे सेल्स आपस में प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड होते हैं। एंटीपोडल्स तो कई बार अपना न्यूक्लियर मटेरियल ज्यादा करने के लिए पॉलीटीन क्रोमोसोम्स या फिर एंडोप्लॉयडी या फिर एन्यूप्लॉयडी, मतलब अपने क्रोमोसोम नंबर या डीएनए कंटेंट हाई रखते हैं, बिकॉज दे आर न्यूट्रेटिव। न्यूट्रेटिव सेल्स का ही खासियत होती है, दे माइट हैव मोर देन नीडेड डीएनए, ज्यादा डीएनए हो सकता है जिसको वो बड़े क्रोमोसोम्स में या ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में फिट करते हैं। क्या आपको ये सारा कुछ समझ आ गया है? यस। नोटेड, आगे चले। तो मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन था, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। मेल गैमेटोफाइट दो या तीन सेल का था, फाइनली तो तीन सेल का ही है। फीमेल गैमेटोफाइट सेवन सेल की, मतलब पॉलन ग्रेन में हमें तीन सेल दिखे थे, दो मेल गैमेट और एक ट्यूब सेल, और इसमें हमें सेवन सेल थी। अब हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स देख लेते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर जाने जाएंगे। अब
ओव्यूल्स को हम, अगर हम आउट ऑफ एनसीईआरटी रहे तो सब एनसीईआरटी रहे, अगर हम आउट ऑफ एनसीईआरटी जाए तो ओव्यूल्स हमें कितने टाइप के जिस जिस वे में क्लासिफाई कर सकते हैं, लेट्स सी। हम ओव्यूल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि भाई उनमें इंटेग्यूमेंट कितनी है, नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स के बेसिस पर आप कर सकते हैं, उनको घुमाव कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी ओरिएंटेशन के बेसिस पर उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर ओव्यूल्स के पास न्यूसेल्लस कितना है, उस बेसिस पर भी आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस पेज में मैं थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहे हैं हम, ताकि हमें कुछ एक्स्ट्रा भी पता हो, हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेस करने वाले हैं। इंटेग्यूमेंट की नंबर के हिसाब से बेटे, अगर इंटेग्यूमेंट नहीं होती तो हम उसको एटैगमिक कहते हैं, नो इंटेग्यूमेंट। जो आपको चंदन की लकड़ी सेंटालम में दिखता है, इसके ओव्यूल में यूनिटेगमिक मतलब कि एक ही इंटेग्यूमेंट, ओव्यूल के ऊपर एक ही इंटेग्यूमेंट की लेयर है। यूनिटेगमिक ओव्यूल जो होते हैं वो आपको नॉर्मली हायर डाइकॉट्स में मिलेंगे, गेमोपेटली में, जिनके पेटल्स फ्यूज होते हैं उन फैमिलीज को गेमोपेटली में डाला जाता है, जिनके पेटल्स फ्री होते हैं उनको पॉलीपेटली में डाला जाता है, इनको एडवांस माना जाता है। अगर दो इंटेग्यूमेंट है मोनोकॉट्स में, नॉर्मली बायोटेगमिक दिखेगा, या फिर पॉलीपेटली में उन फैमिलीज में जिनके पेटल्स फ्री। रेयरली हमें ट्राइटेग में तीन इंटेग्यूमेंट्स भी देख सकते हैं, जैसे कि एस्पोडेलस नाम के पौधे में। एक आइडिया होना चाहिए इनका मीनिंग क्या है, क्या आप इन ओव्यूल्स को इस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। ओरिएंटेशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो अगर हमारा ओव्यूल इस तरह से स्ट्रेट है, ओव्यूल में अगर ये माइक्रोपाइल है, ये चलाजा है, तो इस डंडी को हम फ्यूनिकल कहते हैं और ये अंदर एम्ब्रियो सैक है। तो अगर माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल एक ही लाइन में दिख रहे हैं तो ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। पॉलीगोनम का ओव्यूल ऐसा ही होता है। अगर ओव्यूल इस तरह से राइट एंगल पे टर्न हो जाए तो ये हेमीट्रोपस हो जाता है। ये 90 डिग्री पर टर्न हो गया। इसमें माइक्रोपाइल, सॉरी, इसमें चलाजा और माइक्रोपाइल फ्यूनिकल से परपेंडिकुलर हो गए। तीसरी ओरिएंटेशन हो सकती है, देखो हमारा ओव्यूल सीधा था, हमें ऐसे कर दिया है, हो सकता है बिल्कुल नीचे चला जाए, बिल्कुल घूम गया। इस तरह का ओव्यूल 180 डिग्री पर रोटेट हो चुका है, रोटेटेड एट 180 डिग्री, जिसको हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल सबसे कॉमन ओरिएंटेशन मानी जाती है, एनाट्रोपस या इन्वर्टेड मोस्ट कॉमन। इसके अलावा हो सकता है हमारा ओव्यूल घूमकर फिर से सीधा ही हो जाए, 360 डिग्री पर घूम चुका है। सर्कल बना लिया, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल कैक्टेसी फैमिली में दिखता है, फेबेसी में भी दिखता है,
इस तरह से ओव्यूल्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इसके अलावा दो और शेप्स हैं जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। कई बार ये हेमीट्रोपस ओव्यूल इस तरह से हो जाता है कि थोड़ा सा बेंड हो जाता है। हम कहते हैं कि भाई ओव्यूल तो हॉर्सशू शेप हो गया है पर उसका एम्ब्रियो सैक नहीं हुआ। मतलब कि माइक्रोपाइल कोशिश कर रहा है फ्यूनिकल के थोड़े पास आने की, ये थोड़ा सा पास आने की कोशिश, राइट। इसको कैम्पाइलोट्रोपस कहते हैं। और अगर दोनों ही ऐसे करके हॉर्सशू शेप देखें हमें, एम्ब्रियो सैक भी और ओव्यूल भी, तो इसको हम एम्फीट्रोपस कहते हैं। कंपाइलोट्रोपस का आप एग्जाम्पल फेबेसी ले सकते हैं, लेग्यूम। तो ये ओरिएंटेशन के बेसिस पर, ओरिएंटेशन के बेसिस पर हम अलग अलग तरीके के ओव्यूल देख सकते हैं, उनकी ओरिएंटेशन किस तरह का घुमाव है। जब हमारा ओव्यूल इस तरह से घूम जाएगा एनाट्रोपस, तो हमें दो चीजें दिखती। आप इमेजिन कीजिए इसमें इस तरह से आपका ओव्यूल घूम रहा है। तो बेटे जब ये ऐसे घूम गया है तो इसका ये एज फ्यूज हो गया है फ्यूनिकल के साथ, ये नीचे पूरा घूम गया। तो यहाँ पर एक ऐसे जैसे आप दो पेपर को चिपका दो तो आपको पता चलता है ना, उठा हुआ एरिया दिखता है, तो ये मुड़ के ऐसे चिपक गया है ना इधर। तो ये जो उठा हुआ पोर्शन दिखता है एक एनाट्रोपस ओव्यूल में, राइट, रिज दिखती है, इसे रैपिंग है। ओव्यूल ओवरी से कनेक्टेड होते हैं, तो सभी ओव्यूल्स जहां पर ओवरी से कनेक्टेड होते हैं एक डंडी के साथ, इस डंडी को क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। हमने अभी तो करा फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकल, ये है ओवरी। तो ओवरी या कह लो के प्लेसेंटा ऑफ ओवरी से कनेक्टेड हैं जब, तो दिस स्टॉक इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो यहां पर एक निशान दिखेगा जहां ये स्टॉक से टूटेगा ओव्यूल, उसको मैं हाइलम। अब ये सारे हमें फोटो कहां दी हुई है एनसीआर, एक बार एक नजर मार लेते हैं पेज नंबर 25 पे। पेज नंबर 25 पे डायग्राम डी देखिए, डी लिख रहा है, डायग्राम डी, कैन यू सी द डायग्राम डी। उसपे देखो आपको हाइलम दिखेगा, ये वो पोर्शन है जो फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में है, है ना बेटे, दिख रहा है फिगर 2.7 का डी। आप ठीक चीज मार्क करके आएंगे, हाइलम वो निशान है या वो पॉइंट है जहां पर हमारा ओव्यूल फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ था, और फ्यूनिकल वो डंडी है जो उसको प्लेसेंटा ऑफ ओवरी से जोड़ रही है। इस पूरे डायग्राम में 2.7 के डी के पूरे डायग्राम में हैप्लॉइड चीज कौन सी है, एन चीज कौन सी है, एन। चैट बॉक्स में लिखिए, आपको इतने सारे नाम दिए हुए हैं साइड में, आइलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, ब्ला 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 ब्ला, इनमें से एन कौन कौन से हैं बताइए,
हैप्लॉइड क्या है इनमें से? मैं वेट कर रही हूं चैट बॉक्स में. आई वॉन्ट टू सी, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है इसमें से एन क्या है? टू एन और एन, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड. तो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर कौन सा है 2.7D में? मैं हिंट दे देती हूँ, इस पूरे में सिर्फ एक ही चीज है जो एन. जो मियोसिस से बनी है वो क्या है? एम्ब्रियो सैक, इजंट इट? अंडरस्टूड? यस मैम. बाकी सब 2N ही है बेटे, बाकी सब बिफोर मियोसिस ही बना है. और माइक्रोपाइल तो पोर है, उसका तो कोई है ही नहीं. तो अमाउंट ऑफ न्यूसेलस के बेसिस पर हाउ वी कैन डिवाइड, ये देख लेते हैं. अगर न्यूसेलस ज्यादा होता है या न्यूसेलस कम होता है तो क्रैसी न्यूसेलेट मतलब न्यूसेलस ज्यादा है, और जिनमें न्यूसेलस कम है वो टेन्यूई न्यूसेलेट ओव्यूल्स. मोर न्यूसेलस, नेग्लिजिबल न्यूसेलस. तो तीन तरीके से आप ओव्यूल्स को डिवाइड कर सकते हैं. तो हमने मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस कर लिया है. वी शैल मूव टू पॉलिनेशन नेक्स्ट. पॉलिनेशन पे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं. पॉलिनेशन में आने वाले कुछ टर्म्स हैं, उनको पहले स्टडी करते हैं. पॉलिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं? पॉलिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वन ऑटोगैमी, टू एलोगैमी, थ्री होमोगैमी, फोर जिटोनोगैमी, फाइव जीनोगैमी, सिक्स क्लिस्टोगैमी, कैस्मोगैमी, लेट्स हैव अ लुक एट दिस टर्म्स, इनके मीनिंग्स देखते हैं क्या. सबसे पहले दो ही टर्म्स थे, ऑटोगैमी एंड एलोगैमी. ऑटोगैमी हम कहते थे सेल्फ पॉलिनेशन, और एलोगैमी जो थी दैट टर्म वॉज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. ये दो टर्म्स थे. उसके बाद मोर टर्म्स स्टार्टेड कमिंग, राइट? इन दोनों में एक कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया. अब एक प्लांट है, अगर उसके पास ये फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसके पास मेल फीमेल दोनों पोर्शन है,
और ये दूसरा प्लांट है, इसके पास भी सपोजिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, एक ही स्पीशीज के दोनों प्लांट्स। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इसको हम क्या कहेंगे, तो ऑटोगैमी। पर इसको हम क्या कहेंगे, दो फ्लावर्स इन्वॉल्व है। अब ये दो फ्लावर्स इन्वॉल्व है पर सेम प्लांट के हैं, तो इसको इन्होंने कहा जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी जेनेटिकली तो ऑटोगैमी है, पर क्योंकि दो फ्लावर्स इन्वॉल्व है तो फंक्शनली ये एलोगैमी है, राइट। तो जीटोनोगैमी जो है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जीटोनोगैमी इज फंक्शनली दो फ्लावर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट अदरवाइज जेनेटिकली इट्स ऑटोगैमी, क्योंकि जेनेटिकली तो सेम ही है जीनोटाइप। बट टू फ्लावर्स आर इन्वॉल्व, इसमें सेल्फिंग है। इस टाइप से देखो तो क्रॉस होमोगैमी होता है प्योर, ये सिंगल फ्लावर इन्वॉल्व। तो होमोगैमी एंड जीटोनोगैमी, इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऑटोगैमी को हमने दो हिस्सों में देख लिया। उसी तरह से जीनोगैमी इज प्योर क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब यहां का पॉलन यहां जा रहा है, दिस इज जीनोगैमी, दिस इज होमोगैमी, दिस इज जीटोनोगैमी। तो जीनोगैमी इज प्योर फॉर्म ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। टू डिफरेंट फ्लावर्स आर इन्वॉल्व और टू डिफरेंट जीनोटाइप्स। क्लिस्टोगैमी, गैमी मीन्स मैरिज, पॉलिनेशन किस किसके बीच में, क्लोज फ्लावर्स, राइट। तो इट इज क्लिस्टोगैमी मीन्स द फ्लावर्स आर क्लोज क्रॉस, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन इन क्लोज फ्लावर्स। कैस्मोगैमी इज ओपन फ्लावर्स। तो ये ऑपोजिट है एक दूसरे, ये हमें आएगा, ये हमें आएगा, इसके अलावा हम करते हैं एजेंट्स। इससे पहले हम और टर्म्स करें, लेट अस सी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। इसमें से हमें बहुत सारे नीट के क्वेश्चंस बनते हैं। हमें फ्लावर के डिस्क्रिप्शन देके बोलेंगे बताइए ये विंड पॉलिनेटेड है कि वाटर पॉलिनेटेड है, तो हमें बहुत ध्यान देना है। एक तो हमें ये टर्म्स बिल्कुल ध्यान से आनी चाहिए, उसके बाद हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन देख लेते हैं हमें क्या क्या इसमें आ सकता है। सबसे पहले एनीमोफिली, मतलब हवा से पॉलन जाएगा, विंड पॉलिनेशन। नीट हमें क्या क्या क्वेश्चंस देगा हमें उससे मतलब। तो जब भी फ्लावर्स पॉलिनेशन विंड से होती है तो हम उसको ऑब्वियसली एबायोटिक कहेंगे, क्योंकि उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, फ्लावर्स की एडेप्टेशंस क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, जल्दी से देख लेते हैं। उनको खुशबू की जरूरत नहीं है, उनको कलर की जरूरत नहीं है, उनको ज्यादा ऑर्नामेंटल या ब्यूटीफुल होने की, चोई होने की जरूरत नहीं है,
बट उन फ्लावर्स की खासियत ये हो सकती है कि उनके सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो एक्सपोज्ड हो, राइट? मतलब स्टेमेंस हो गए या स्टिग्मा हो गया, वो छुपे हुए नहीं हो ताकि हवा से वो पॉलन ले सके या हवा में पॉलन छोड़ सके. अमाउंट ऑफ पॉलन काफी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये वेस्टेज वाला प्रोसेस. फ्लावर्स के पास यूजुअली एक ही ओव्यूल होता है एक ओवरी में. फ्लावर्स हो सकता है इकट्ठे हो, इनफ्लोरेसेंस इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, नेचर ये इंपॉर्टेंट है, नोटेड. अगर प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं इफ प्लांट हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स देन मेल फ्लावर्स आर मोर. ये भी इंटरेस्टिंग है. जो पॉलन है वो ड्राई होना चाहिए क्योंकि उसने हवा से जाना है, लाइट वेट होना चाहिए, बारिश से बचना है, तो आप कह सकते हो कि वाटरप्रूफ होना चाहिए, ऊपर कुछ कवरिंग होनी चाहिए. स्टिग्मा जो है वो हवा से उसने पॉलन पकड़ना है, तो स्टिग्मा फेदरी हो सकता है. ताकि वो इस तरह से सरफेस एरिया बढ़ाए उड़ते हुए पॉलन को पकड़ने के लिए. स्टिग्मा जो है वो स्टिकी भी हो सकता है. ताकि उड़ते हुए पॉलन को पकड़ ले. एंथर्स जो है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के इस तरह से लगे होते हैं स्टाइल फिलामेंट पे कि ये ऐसे ऐसे मूव करते हैं, झूले जैसे, वर्सेटाइल फिक्सेशन. So versatile anthers, feathery stigma, lightweight pollen, सब wind pollinated flowers के examples हैं. Many flowers in inflorescence. अब हमें NCERT के दो questions देखें. NCERT कहता है कि जब आप एक भुट्टा देखते हैं, कॉप देखते हैं, corn का, तो यहाँ पर अंदर आपको खूब सारे प्यारे फ्लावर्स होंगे विच हैव गॉट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट ग्रेन्स. दैट मींस दे वर मोस्टली फीमेल फ्लावर्स एंड देर आर अ फ्यू मेल फ्लावर्स ऑन टॉप हियर. फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन कॉर्न बट
we see both types on the same inflorescence. Then the female flowers will be sending out stigma and style outside. So the tassels you see, the tassels hum dekh rahe hain, they are mainly to collect the flying pollen. So tassels kya hai? In maize, corn maize. So ye again neat ka question. What are tassels in corn cob? And why are they coming out? Baar kyun aa rahe hain? To collect pollen from the air. Pollen ko pakadne ke. But if I look at the book, agar main book mein figure 2.10 dekh rahi hu, figure 2.10 on page number 29. So it's showing me well exposed stamens. Can you see? अगर ये डायग्राम आता है तो मुझे वेल एक्सपोज स्टेमेंस पे टिक लगाना है. Is it understood? But अगर कौन कॉब आ रहा है टैसल्स में तो मुझे स्टाइल एंड स्टिग्मा पे टिक लगाना. ठीक है, तो यहाँ पर दो कैच क्वेश्चन बन रहे हैं, बाकी हमने सब उसमें से देख लिया. इसके बाद वी कैन गेट वाटर पॉलिनेशन. द सेकेंड इज हाइड्रोफिली. एनीमोफिली इज डन. A pollination by water is not very common. So firstly, हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ 30 genera में दिखती है flowering plants के. उसमें से भी ज्यादातर monocots. Again NCERT. क्या वॉटर प्लांट्स में सब वॉटर पॉलिनेटेड है? नहीं, बहुत कम वॉटर पॉलिनेटेड. कई वॉटर प्लांट्स जो हैं, दे आर इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं. कई विंड से पॉलिनेट होते हैं, भी एक्सपोज्ड होते हैं. जो वॉटर के अंदर होंगे वो मोस्टली वॉटर पॉलिनेटेड हो, बट अगर वो वॉटर से बाहर होंगे तो वो इंसेक्ट या विंड पॉलिनेटेड हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक लोटस और यू कैन से वॉटर हायसिंथ. ठीक है, हाइड्रोफिली दो टाइप से है. अगर वो पानी के पॉलन पानी के अंदर ही स्टिग्मा भी पानी के अंदर है, पॉलन भी पानी के अंदर छूटता है और वो जाके पानी के अंदर ही पॉलिनेशन कर देता है. पानी के अंदर हाइपोहाइड्रोफिली. पर अगर फ्लावर फीमेल पार्ट पानी के ऊपर तैर रहा है और पॉलन पानी के ऊपर, मतलब सरफेस ऑफ वाटर में, इनसाइड वाटर नहीं, वहां पर पॉलिनेशन चल रहा है, सरफेस ऑफ वाटर पे पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब पॉलन स्टिग्मा पर पहुंचने को पॉलिनेशन कहते हैं. पानी के ऊपर हो रहा है कि पानी के अंदर हो रहा है, तो उसको हम हाइपोहाइड्रोफिली या एपीहाइड्रोफिली में डिवाइड करते हैं.
हाइपोहाइड्रोफिली बिलो द सरफेस ऑफ वाटर होता है, जैसे कि रॉस्टीरा में और टेराटोफिलम में. रॉस्टीरा मतलब सी ग्रास किया हुआ एनसीआर, और दूसरा एग्जाम्पल है टेराटोफिलम. हैप्पी हाइड्रोफिली का तो फोटो भी बनाई हुई है वेलिस्नेरिया. ठीक है, हाइड्रिला भी इनसाइड वाटर. वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, ये सब फ्रेश वाटर. टेराटोफिलम भी फ्रेश वाटर है, तीनों फ्रेश वाटर प्लांट्स है. और जॉस्टीरा सी में पाया जाता है, सी ग्रास मरीन है. ये भी नीट में आ सकता है, कौन से फ्रेश वाटर है और कौन से मरीन है. विच इज अ फ्रेश वाटर प्लांट जिसमें हाई पानी के अंदर फर्टिलाइजर पॉलिनेशन होती है, तो आप सिराटोफिल्लम और हाइड्रिला पे टिक लगाए. कौन सा फ्रेश वाटर प्लांट है जिसमें पानी के सरफेस पे पॉलिनेशन होती है, तो आप वेलिस्नेरिया पे टिक. पानी कोई ज्यादा फेवरेट मीडियम नहीं है पॉलिनेशन, कुछ ही पानी के पौधों में हमें पानी से पॉलिनेशन देखी जाती है. अब पानी से पॉलिनेट होने के लिए क्या क्या अडेप्टेशन है, क्या क्या फीचर्स है, ये नोट हो गया है. आगे चले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो नोट कर रख लीजिए जल्दी जल्दी. हमें क्या क्या याद रखना है वाटर पॉलिनेशन फ्लावर्स में, देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पानी से जो पॉलिनेट होते हैं उनकी. जो पौधे पानी से पॉलिनेट होते हैं उनके जो मेन फीचर्स हैं वो भी नॉन फ्रेग्रेंट, कोई खुशबू की जरूरत नहीं है, नॉन शोई, कलरफुल नहीं होते, नॉट कलरफुल, छोटे होते हैं, दिखते भी नहीं, कई बार छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं, राइट, क्योंकि वाटर से पॉलिनेट होना है, दे डोंट वांट टू बी अट्रैक्टेड बाय द पॉलिनेटिंग एजेंट. अनवेटेबल फ्लावर पेटल्स, सेपल्स, पॉलन भी अनवेटेबल होता है, पानी से भारी होके नीचे चला गया ऐसा नहीं होता. ठीक है, और इसके लिए उसके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग हो सकती है. पॉलन की खासियत होनी चाहिए, राइट, म्यूसिलेज कवर के साथ साथ पॉलन में क्या क्या होना चाहिए. म्यूसिलेज कवर है, कई बार पॉलन रिबन शेप्ड होता है और उसके ऊपर एग्जाइम नहीं होता ताकि वो फ्लेक्सिबल रहे, मुड़ सके, फीमेल पोर्शन पर कॉइल कर सके, क्या पानी में फ्लोट कर सके आराम. फॉर एग्जाम्पल जॉस्टीरा, सिराटोफिल्लम, इनके पॉलन फ्लेक्सिबल रिबन लाइक होते हैं विदाउट एक्साइन. ये भी एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार है दोनों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है.
इसके अलावा सिग्मा भी अनवेटेबल होता है, नेक्टर नहीं बनेगा, ओडर नहीं होगा, तो ये सब फीचर्स हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से देख लेते हैं, ड्रोसोफिला की स्टोरी देख लेते हैं अगर उन्होंने हमें स्टोरी ही पूछ ली तो, टेराटोफिल्लम की देख लेते हैं, और वेलेसनेरिया की तो उन्होंने हमें ड्रॉइंग कर ही दी हुई है एनसीईआरटी में, तो इसकी भी स्टोरी देख ही लेते हैं। ड्रोसोफिला, टेराटोफिल्लम और वेलेसनेरिया, जिसको हम सी ग्रास कहते हैं ड्रोसोफिला को, पहले सी को भी देखते हैं, ये सी में पाया जाता है, मरीन ग्रास है, राइट। अब इसकी स्टोरी ये है कि इसके प्लांट्स ऐसे सी के नीचे उग रहे हैं, इनके फ्लावर्स, और मेल फ्लावर्स जो हैं वो रिलीज करते हैं पॉलन ग्रेन जो ऐसे स्विम करता हुआ जाता है, और फीमेल फ्लावर्स को पॉलिनेट करता है। तो इनसाइड वाटर ही पॉलिनेशन हो रही है। अब इसको डूबना भी नहीं है, ऊपर भी नहीं जाना है, तो आपको याद रखना है कि ये जो इस टाइप का रिबन टाइप का फ्लोट करके जा रहा है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो सेम होनी चाहिए वाटर जैसी, ताकि ये फ्लोट करते हुए अंदर ही इधर चला जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है जो हमने इसमें ध्यान देना है, और ऑब्वियसली रिबन शेप्ड है, एक टाइम नहीं है, ये आपने याद रखना है। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है, सिग्मा भी लॉन्ग है और ये भी फिलामेंटस है, और ये कॉइल कर जाता है, ऐसे जाके कॉइल कर जाता है सिग्मा पर फ्लावर, फीमेल फ्लावर्स। सेराटोफिल्म देखते, सेराटोफिल्म के केस में क्या होता है, ये प्लांट्स नीचे लगे हुए हैं, ठीक है, हर प्लांट में फीमेल फ्लावर भी है, मेल फ्लावर्स भी हैं, मेल फ्लावर्स टूट के ऊपर चले जाते हैं पानी के ऊपर तैर रहे हैं, और फिर वहां पर टूटते हैं और पॉलन नीचे की तरफ गिरता है और फीमेल फ्लावर्स पे आके गिरता है। तो मेल फ्लावर्स ब्रेक करके ऊपर चले जाते हैं, और इनफैक्ट फ्लावर्स नहीं, एंथर्स ऊपर चले जाते हैं, एंथर्स मूव अपवर्ड एंड डिहाइस, ऊपर जाके डिहाइस करते हैं, पॉलन फॉल डाउन ऑन स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर्स। तो हर प्लांट के पास मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स हैं, दैट मीन्स प्लांट के पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, पर प्लांट मोनिशियस है, मेल फ्लावर्स भी हैं उसके पास और फीमेल फ्लावर्स भी। ओके, पॉलन राउंड है, इसमें पॉलन रिबन लाइक है, इसमें पॉलन राउंड है, एंड दे फॉल डाउन। वेलेसनेरिया की अलग ही स्टोरी, वेलेसनेरिया की तो हमें फोटो भी बना के दी हुई है इन्होंने ऑन पेज नंबर 30 ऑफ एनसीईआरटी। वेलेसनेरिया पानी के अंदर का प्लांट है, ये डाइशियस है, ये मोनिशियस है, ये डाइशियस प्लांट है, दैट मीन्स ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, प्लांट ही अलग है, ये सिर्फ मेल फ्लावर्स बनाएगा और ये फीमेल फ्लावर्स बनाएगा। मेल प्लांट खूब सारे मेल फ्लावर्स बनाएगा और उसके बाद ये मेल फ्लावर्स सारे टूटकर ऊपर चले जाएंगे और फ्लोट करेंगे पानी के। ये मेल फ्लावर्स ये टूट गए हैं, सारे ऊपर चले गए हैं फ्लोट कर।
फीमेल फ्लावर्स जो फीमेल प्लांट है उसके ऊपर जो फीमेल फ्लावर्स लगे हैं उनकी लंबी सी डंडी होती है पहले से, और ये मेच्योरिटी पे ऊपर जाते हैं ऐसे, और इनका स्टिग्मा जो है वो तैरते हुए मेल फ्लावर से टकराता है और उनसे पॉलन लेकर वापस नीचे आ जाता है, फिर से कॉइल बैक कर जाते हैं। तो इस तरह से पॉलन ऊपर जाकर लेते हैं, पानी के ऊपर ले सरफेस ऑफ वाटर से लेकर आते हैं, तो ये एपीहाइड्रोस है। ओके अंडरस्टूड। ये हमें पेज नंबर 30 पे ड्रॉ करके दिखाया हुआ, देखिए पेज नंबर 30 पे छोटे छोटे कितने सारे मेल फ्लावर हैं, जो एक फीमेल फ्लावर ऊपर, एक सिंगल एक प्लांट एक ही फीमेल फ्लावर बनाता है, ये फीमेल प्लांट ऊपर जाकर देखो कितने सारे मेल फ्लावर उसको सराउंड कर लेते हैं, और फिर उसके उनके एंथर्स से पॉलन निकल के उसके ऊपर गिरता है, वो वापस से नीचे कॉइल हो जाता है। कैन यू सी द फीमेल प्लांट विद वन सिंगल फीमेल फ्लावर? पेज नंबर 30 पे देखेंगे आप, फिगर 2.1 पे। तो दिस इज वाटर पॉलिनेशन। तो आज हम इधर तक ही करेंगे, आप मेजर जो पॉइंट्स हैं आई होप आपको समझ आ गए हैं एंड यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, अगर आप चाहते हो मैं कोई पेज आपको दोबारा दिखाऊं तो आप मुझे बोल सकते हो, और बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू वेरी मच। इफ यू वॉन्ट मी टू शो एनी पेज यू कैन टेल मी, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।